आप सभी श्रोता बंधुओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। इंसान के सिर के बाल हर तरह से उनके लिए खास होते हैं। बाल अगर घने और खूबसूरत होते हैं तो इंसान की खूबसूरती में चार चांद लग जाते हैं। चलिए जानते हैं बाल वाकई में कैसे स्वस्थ रह सकते हैं। दरअसल इंसान के बाल प्रोटीन और मृत त्वचा के सेल से बने होते हैं। इनका मकसद होता है सिर को गर्मी से बचाना। हर इंसान के हर रोज़ 50 से 100 बाल गिरते हैं। गिरते बालों की चिंता पुरुष और महिला दोनों को बराबर होती है। इनकी सही देखभाल के लिए लोग ढेरों पैसे भी खर्च करते हैं। तो चलिए आज हम सभी जानते हैं कि आप होममेड रेमेडीज़ के द्वारा कैसे बालों का ख्याल रख सकते हैं, या फिर आपके बाल गिर रहे हैं तो उन्हें गिरने से रोक सकते हैं, या गिर गए हैं तो उन्हें वापस लाने की कोशिश कर सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं बालों के गिरने के कारण के बारे में। किसी भी स्वस्थ इंसान के बाल गिरने को एलोपेशिया कहते हैं। सामान्य एलोपेशिया का कारण एंड्रोजेनेटिक होता है, महिला और पुरुष दोनों में गंजापन। इसमें खोपड़ी और सामने के बाल गिरते हैं या कम हो जाते हैं। इसकी दूसरी वजह होती है एटोइम्यून डिसऑर्डर, जिसमें शरीर खुद ही बालों को हानि पहुंचाता है। बाल गिरने का प्राकृतिक कारण भी होता है, जैसे बढ़ती उम्र, आंतरिक समस्या, हाइपोथायराइडिज्म, मोनोपॉज, तनाव, अवसाद, प्रदूषित पानी और दवाएं, कैंसर का इलाज, आनुवंशिक कारण जो पुरुषों को होता है। बालों को गिरने से बचाने में कैसे मदद करता है प्याज का रस, ये जानते हैं। गंजेपन, जिसको गंजेपन की शिकायत होती है वो कई तरह के उपाय ढूंढते रहते हैं। अक्सर लोग इसके लिए आसान और घरेलू नुस्खे की मदद लेते हैं। इसमें एक घरेलू नुस्खा जिसका शोध में सकारात्मक प्रभाव मिला है वो है भूरे प्याज का रस। इसका रस बालों को दोबारा उगाने में मदद करता है। इसको तैयार कैसे करें और इस्तेमाल कैसे करें। एक या दो सूखे गोल प्याज ले लीजिए, ज़रूरत के अनुसार आपके बाल जितने बड़े हों उसके अकॉर्डिंग, और उसको छील लीजिए। प्याज को टुकड़े टुकड़े में काट लीजिए और मिक्सी में पीस लीजिए। इसके बाद उसका रस निकाल लीजिए। इस जूस को हवा बंद डिब्बे में रख कर फ्रिज में रख दीजिए। इसको दिन में दो बार आपको सिर पर लगाना है, बाल जहाँ पर गिर रहे हैं आपके। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा ओलिव ऑयल भी मिक्स कर लें, आपके लिए फ़ायदेमंद ही होगा। और इसकी मालिश करनी है आपको सॉफ्ट हैंड से। 15 मिनट तक इसे बालों पर लगा रहने देना है और माइल्ड शैम्पू से इसके बाद धो लेना है। इसको लगातार 2 महीने तक इस्तेमाल कीजिए। परिणाम को देखने के लिए थोड़े सब्र की आपको ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये काम धीरे धीरे करता है। जो भी होममेड रेमेडीज होती हैं वो स्लोली वर्क करते हैं, लेकिन इंटरनली आपकी सफाई करती हैं और सही करती हैं तो आपके जो भी रोग होते हैं वो पूर्णतः ख़त्म होते हैं। बालों का पोषण, अच्छे बालों के लिए पोषण सबसे आवश्यक है। इस बात का ध्यान रखें कि आप खाने में क्या खाते हैं। अपने खाने में गाजर, अंडे, हरी पत्तेदार सब्जियां, अखरोट, साबुत अनाज, दाल, शकरकंदी, जामुन, कद्दू का बीज इत्यादि ज़रूर शामिल करें खाने में। आप अगर ऐसा करते हैं तो आपके बाल सदैव स्वस्थ रहेंगे और मजबूत रहेंगे। तो ये थी आज की हमारी जानकारी आप सभी के लिए बालों की समस्या से जुड़ी हुई। अगली बार मैं आप सभी से जुड़ूंगा कुछ एक और महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।